वेल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ रजा है और मैं लाहौर से आर्ट्स स्टडी कंसल्टेंसी फैसल टाउन से। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ अल्लाह पाक की, बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बहुत सारी दुआएं सब नेक लोगों के लिए। एंड टुडे विद अ न्यू लेटेस्ट स्टोरी, टुडे इज ऑलमोस्ट आई थिंक 22nd of January एंड मेरे साथ हमजा शरीफ फ्रॉम इस्लामाबाद, I'm right, and हमदर्द शरीफ के बड़े भाई फारान from इस्लामाबाद। देखते हैं जी ये कैसा सफ़र रहा इनका आरसा के साथ, इस्लामाबाद से लाहौर ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैसे फाइंड आउट किया। पहले पहले बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक सर, हमजा को और उनके भाई को अल्लाह का शुक्र है। टुडे वी रिसीव्ड द पैकेट फॉर हंगेरियन एम्बेसी एंड हमजा का वीज़ा आया जस्ट इन 5 or 6 days में। एंड व्हेन आई यस्टरडे आई शॉक्ड के मैंने इनको नाश्ता इनका खूबसूरत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ कि अल्लाह की रहमत की मदद से। आई वांट पासपोर्ट ऑफ हमजा, कैन यू गिव मी, आई वांट टू शो ऑन हमजाज पासपोर्ट। वेल हमजा की तरफ चलते हैं और उनके बड़े भाई की तरफ चलते हैं, पूछते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस, कैसे आरसा को फाइंड आउट किया, कैसे हमारे पास आए, कैसा हमारे साथ सफ़र रहा, कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या प्रोग्राम है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एक्चुअली हमें उन्होंने चूज़ क्यों किया। वेल आप दे दें मुझे लाकर, डोंट वरी, नो इशू। सो पहले तो बात ये हमजा को हैंड ओवर किया जाए। एंड वेल हमजा बहुत बहुत मुबारक आपके फरान भाई, आपका भी बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू, खैर मुबारक सर। वेल जज़ाकअल्लाह हमजा जी सर, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं फरान सर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। कैसे कैसा रहा आरसा के साथ सफ़र, कैसा रहा हमारे साथ चलना? सर बहुत अच्छा रहा। तो आपको मैंने पहली दफ़ा सोशल मीडिया पे देखा है सर, ठीक है। 2019 में मेरे दो दोस्त गए हैं, ओके, तो दोस्त एक्चुअली नहीं थे, वैसे ही फेसबुक ग्रुप हंगरी का ज्वाइन किया था, तो वो गए हैं, तो मैंने पूछा आप किधर से गए, वो कह रहे हैं आरसा से गए हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा आपके ना आरसा को थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, देखता रहता था, वीडियो लगते थे, आते थे फेसबुक के सामने, ठीक है। तो फिर बाद में जब हमजा का काम स्टार्ट करने लगे हैं तो फिर हमजा आपके छोटे भाई हैं जी जी, तो हमजा की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, आपकी तरफ वापस आएंगे। हमजा जी बताइए अपने बारे में, एजुकेशन प्रोफाइल, सिटी। मेरा नाम हमजा शरीफ है, इस्लामाबाद में हम रहते हैं फैमिली के साथ ही, और मैंने बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इस्लामाबाद कैंपस से। तो मेरे ग्रेड भी अच्छे थे, मैट्रिक एफएससी बैचलर सब में ग्रेड अच्छे थे। और अभी मज़े की बात यह है कि अभी मैंने दिसंबर में कंप्लीट की है अपनी इंजीनियरिंग। यानी जब आपका केस शुरू हुआ तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं थी? मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं थी उस टाइम, ठीक है। आपको डिग्री नहीं थी? डिग्री कुछ भी नहीं था मेरे पास, बस आप पास कर चुके थे? पास कर चुके थे। मैंने फरहान ने मुझे कहा है कि ना तेरा टाइम नहीं ज़ाया करना, मैंने तो टाइम जो ज़ाया किया वो हो गया, तेरा नहीं करना टाइम ना। तो बड़े भाई भी सी एस आई कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है माशाल्लाह। फारान इनके बड़े भाई हैं, गोल लगते छोटे भाई ही हैं पर बड़े भाई हैं, हकीकत में बड़े भाई हैं जैसा कि इन्होंने बताया है। खैर पहली बार मैंने सर को कॉल की तो सर ने मुझे यही कहा कि स्टेटमेंट भेज अपनी ना, तो उसके बाद अगली बात होगी। कि मैंने स्टेटमेंट भेज दी तो मेरी स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी। सर ने मुझे उस दिन कहा कि 10 में से 1 लड़का होता है जिसकी स्टेटमेंट इतनी अच्छी होती है। तो मैंने कहा ठीक है। सर कहते हैं तू टेंशन ना ले, ट्रांसक्रिप्ट डिग्री की मिल जाएगी इंशाल्लाह, दिसंबर एंड तक आ जाए तो सारा काम तेरा ठीक हो जाएगा। मगर ट्रांसक्रिप्ट थी नहीं जी सर, फिर आपने उस बात पे ट्रस्ट कर लिया? मैंने सर की बात पे ट्रस्ट कर लिया। ऑन अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट तो डेफिनेटली रिजल्ट कार्ड था, सिर्फ रिजल्ट कार्ड था इन्होंने मुझे दे दिया। एंड मैंने कहा लेट्स डू ट्राई, क्योंकि कुछ नहीं जाया होगा इंशाल्लाह ताला। आई कमिटेड कि अगर हम काम करने लगे हैं, हमें यूनिवर्सिटीज के प्रोसीजर का बहुत अच्छे से पता था अपनी यूनिवर्सिटीज का। और सबसे अच्छी बात है फरहान और हमजा ने फिर इस बात को वैल्यू दी, इज्जत दी और माना। फिर क्या हुआ जी? तो आपने कहा है कि हमारी जो एप्लीकेशन फ़ी और यूनिवर्सिटी की फ़ी वो भेज दें। तो मैंने फरहान से बात की, अम्मी से की, अबू से भी नहीं उस टाइम बात की थी, क्योंकि अबू इस मामले में थोड़े सख्त हैं कि इस तरह किसी को पैसे नहीं देने हैं। वो सारे तो फादर्स होते हैं, ठीक है। मगर तो एक और बात है, आज इनकी मामा भी आई हैं, इनके बाबा भी आए हैं जी, सारे अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इज्जत दे। तो फिर अबू को नहीं बताया, मैंने पैसे भेज दिए, अपना मेरा अकाउंट था स्क्रीन में, तो मैंने वहाँ से आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो मगर अभी आप भूल गए एक बात, आपने पैसे एक एप्लीकेशन के नहीं, दो एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन मैं बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के भी दिए और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकोल के भी। तो मैंने कहा दोनों में कर दें, तो अगर खुदा ना खास्ता एक में रह जाऊं तो दूसरे में हो जाए, बैकअप हो जाए, बैकअप हो जाए। लेकिन
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यूनिवर्सिटी में स्कूल ने ऑफर ही नहीं किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे फिर आपके पास ही हैं और मैंने वापस ले लिए। नहीं खैर वापस नहीं लिए जी, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ मेरे पास रखे जब तक एप्लीकेशन कंटिन्यू रही। फिर इन्होंने एक दो बार मुझे कॉल की कि सर क्या स्टेटस है। मैंने कहा देखते हैं अब क्या स्टेटस है, एक बार इंटरव्यू तो हो, जब एप्लीकेशन की असेसमेंट तो हो जाए हमारी। वेल फिर क्या हुआ जी, असेसमेंट हुई, असेसमेंट भी मैंने आंखें बंद करके भेज दी पैसे। मैंने कहा यार इस तरह तो फिर काम स्टार्ट ही नहीं होगा अगर मैं पैसे नहीं भेजूंगा तो। ठीक है, मैंने पैसे भेज दिए सर को। बस फिर एक बार प्रोग्राम बना के मैं लाहौर जाऊं, एक बार देख के हूं कौन सी जगह है, ऑफिस कौन सा है। ऑफिस नहीं आए थे जी, मैं ऑफिस नहीं आया आज तक। फरहान जब मेरे पास पहली बार आई इनके साथ एप्लीकेशन देने, कह रहे थे कि जब हमने सोचा कि आपको एप्लीकेशन देनी है तो इन्होंने खुद ही कराया था, बड़े भाई ने मेरी रिकमेंड किया है कि बस फिर कर दें, ट्रस्ट करना है तो पूरा करते हैं ना। जी बिल्कुल यही बात है। लाहौर नहीं आया, केस स्टार्ट हो गया। सर ने बड़ी हेल्प की मेरी। मैंने तो एक ऐसा पॉइंट आया था ये सितंबर अक्टूबर के एंड में कि मैंने दिल छोड़ दिया था। मैंने अम्मी को कहा है ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं देंगे हमारी यूनिवर्सिटी वाले, तो मैं सर को कॉल करता हूँ कि वो जो अगले इनटेक में ले जाते हैं अक्टूबर वाले में तो इसमें छोड़ देते हैं ना, क्योंकि मैं डिसार्ड हो गया था। तो फिर अम्मी ने अब्बू ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार तू डिसार्ड ना हो, मैं कोशिश करता हूँ तेरी ट्रांसक्रिप्ट निकलवाते हैं हम। तो बस फिर सर के और मैम मदद करते रहे, जो भी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से बनवाने थे आपसे पूछ के मैं बनवाता गया। तो और एक और मज़े की बात थी कि मेरी ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट भी नहीं थी, तो फिर मैंने सर से दो तीन बार ये कंफर्म किया कि सर मेरी ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट नहीं है, तो इस तरह ना वो एम्बेसी में मसला बन जाए। सर ने कहा तू फिक्र ही ना कर, छोड़ दे, मैं जानूँ वीज़ा ऑफिसर जाने, तो तू बस ट्रांसक्रिप्ट ले ले यूनिवर्सिटी से। तो अल्लाह अल्लाह करके मुझे 14 दिसंबर को ट्रांसक्रिप्ट मिल गई। तो कंफर्मेशन लेटर कि आई एम ऑफिशियल कंसल्टेंट और ये मेरे स्टूडेंट हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है, आप एक एक चीज चेक कर सकते हैं, बट द कोविड और लेट डिस्क हमें ट्रांसक्रिप्ट मिलने की वजह से वी आर नॉट एबल टू आई मीन टेस्ट ओवर डॉक्यूमेंट। बट अगर आप हमें इंटरव्यू के बाद कहते हैं इंटरव्यू वाले दिन, क्योंकि अपॉइंटमेंट हम मिस कर नहीं सकते थे, टेस्ट हमारा पास हो चुका था और ऑफर लेटर हमें आ चुका था, देन हमने डिसीजन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वीज़ा ऑफिसर ने उस बात को रिकॉर्ड दिया कि वाकई आरसा इतना अच्छा टीम, इतना काम कर रही है और उन्होंने उसको पॉजिटिव ही लिया। खैर आगे और हर चीज़ क्विक होती कि जैसे ही मेरा एडमिशन आया मैंने मिनट में एक दो दिन में फ़ीस जमा करा दी, मैंने किसी चीज़ में लेट नहीं की। अगले दिन आपको स्विफ्ट कॉपी भेज दी कि मैंने कहा, आपने कहा ठीक है बेहतरीन हो गया। तो इसी तरह सफ़र चलता रहा है। फिर पहले दिन आ गए मेरे पास, फर्स्ट टाइम आए फाइल देने। तो सर ने मेरे डॉक्यूमेंट देखे, तो जैसे और लड़कों बैठे होते हैं सर उनके साथ खाप रहे होते हैं, यार ये इस तरह है ये इस तरह है, तो मैंने समझे सर ने इतनी कोई नहीं दी कि वो डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंस नहीं दी ना। हाँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं खैर है। फिर चले गए हम, तो सर ने कहा मैं तेरी फाइल तैयार कर लूँगा। हम फिर दूसरा चक्कर लगा हमारा, तो एम्बेसी से 4-5 दिन पहले हम आए फाइल लेने के लिए, तो मेरे तकरीबन वही डॉक्यूमेंट थे बीच में एफिडेविट, क्योंकि सर ने कहा कि तेरी फाइल जो है वो बहुत हैंडसम है और मेरी तरफ से पॉजिटिव है कि तेरा वीज़ा लगा हुआ। मैंने कहा ठीक है सर। और फिर मैं सर मेरा इंटरव्यू तो लेना, आप इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे? तो सर कहते हैं यार तुझे इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, बस तू ठीक है। मैं बड़ा परेशान सा कि सर कहते हैं तू रहने दे, तू बस ठीक है। एक शॉर्ट मॉक सेशन लिया था मैंने, ट्राई किया था कि इंट्रोडक्शन दें मुझे, यूनिवर्सिटी का बता दें, प्रोग्राम्स का बता दें। नहीं सर, आपने नहीं मेरा इंटरव्यू लिया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इतना मेरे पे एतमाद था कि हमजा का वो मतलब के कॉन्फिडेंस है, तैयारी है, इसको नहीं जरूरत किसी चीज की बिना, कि फाइल भी अच्छी है, मुझे आप इसलिए कह रहे थे कि तेरे नहीं जरूरत की कॉन्फिडेंस है, फुल तुझे कॉन्फिडेंस है, टाइम भी छाड़। तो मैंने एक बार मैम रिदा को इंटरव्यू दिया है, तो जो भी उन्होंने सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया। कहते हैं मेरा ये कहने का मकसद भी था, क्योंकि मेरी टीम मेंबर आपसे पहले एक बार इंटरव्यू पूरा कर चुके हैं, ग्रेडिंग 10 में से आपको 7 या 8 आई डोंट नो एग्जैक्टली नो नंबर उन्होंने दिए थे, कि मैंने एक चीज से इंटरव्यू वेरीफाई कर चुकी हूं एंड ही इज अ पॉलिश्ड पर्सन। मैम ने मुझे कहा मैंने एक बार इंटरव्यू दिया मैम, मैंने कहा दूसरी बार देने? कहते नहीं आप ठीक हो, दूसरी बार देने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा ठीक है कोई मसला। फाइल लेने आ गए। बारीक सी थी, पतली सी, छोटी सी फाइल थी। मैंने कहा सर ये बहुत छोटी है, क्या कहेंगे वैसी वाले? तो वो लड़कों की तो इतनी मोटी मोटी फाइलें हैं। तो सर कहते तीन तू जा, तेरी जबरदस्त फाइल है। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह का नाम लेके हम तेरा
जनवरी को चलेंगे, मैं और फरहानी गए हैं गाड़ी पे, तो एम्बेसी पहुंच गए वहाँ पे 10 बजे मेरा टाइम था, मैंने डॉक्यूमेंट उनको दिए तो उन्होंने कहा ठीक है आप बाहर बैठ जाएं। फिर मैं अंदर गया हूँ तो उन्होंने एक फॉर्म दे दिया, वो फिल किया मैंने, बायोमेट्रिक हुई तो सबसे पहले मैं नहीं दिया क्योंकि 7 बैचलर वाले थे, मैं एमएस वाला था, मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। मैंने जल्दी जल्दी फिल किया सारा, जो मेरे नहीं थे मतलब के मैरिड वालों के थे वो मैंने छोड़ दिए, वो मैंने उसको दे दिए ना लेडी जो थी उनकी अंगेरियन की। ठीक है, तो 15-20 मिनट बाद उन्होंने कहा शरीफ हमजा आ जाओ। ठीक है, तो वो जो लेडी बैठी थी उसने मतलब कैसे मेरे से दिल से इंटरव्यू लिया ही नहीं है। हाँ। कि उसने लगता है पहले डिसीजन कर लिया था। ठीक है, तो मैं गया हूँ, कहती है अम्मी अबू खुश हैं स्पॉन्सर करके? मैंने कहा जी खुश हैं। अच्छा, तो हंगरी में कोरोना है तो आप क्या करोगे ये वो? तो मैंने उससे शुगर लगाना शुरू कर दिया, मैंने कहा कोरोना है तो क्या हुआ, हम ग्रीन टी पियेंगे कावा पियेंगे? तो वो बड़ी ना हंसने शुरू हो गई। तो कहती है अच्छा क्यों कावा पियोगे? मैंने कहा इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा, कहते बड़े तेज़ हो। तो ठीक सही बात। और एक और दो क्वेश्चन किए हैं, यूनिवर्सिटी क्यों ये चूज़ की है और हंगरी क्यों जा रहे हो? उसने कहा गुड लक, जाओ फीस जमा करो, बस ये मेरा इंटरव्यू हुआ है। ये तो इंटरव्यू एक 1% चांस होता है ना कि ऐसा इंटरव्यू हो जाए, मगर एक्चुअल इंटरव्यू तो यही था कि जो हमने तैयार किया वो मैंने बहुत जबरदस्त रेडी की थी। और वो मैं लड़कों को भी यही, आप क्या कहोगे इस सफर में फाइनेंशियल मैटर के बारे में, आप बड़े भाई भी थे, इनके गार्डियन भी थे, आपको चूज कर इनको चूज करने वाले और रिस्पॉन्सिबल भी तो आप ही थे ना। अगर कोई ऊंची नीची हो जाती, अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते तो ये नहीं बल्कि आपके आपके आप आने, तो क्या राय देते हैं फिर कैसा रहा सफर? घर में कई दफा डिस्कस हुआ है तो अम्मी कह रही थी अगर तूने अब लाहौर के काम में फंसा दिया, चक्कर लगाने हैं, अब अगर हमजा का ना काम हुआ ना जिम्मेदार तू है। हाँ, का नहीं, मुझे सारासों पे और सारासों की पूरी टीम पे मैं चक्कर भी लगा गया हूँ, मैडम के नाम मेरे माइंड में पूरा नहीं है, जितनी मैडम है सारी बहुत मेहनत से काम करे सारासों। मैंने बोला मुझे ट्रस्ट है सारासों पे, तो इंशाल्लाह हमारी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़े से हमने टेक्निकल चीजों को तैयार किया, ऐसे ही है जो रेंटिंग सिस्टम था, आप कह रहे थे मामा की तरफ से ये लगा दें, ऐसे ही हो रहा है गवर्नमेंट, तो मैंने कहा था नहीं सर, ने बोला भी ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन करनी है, मेंटेन करना है, थोड़ा सा हमारा वो था, हमने उस लिहाज से जैसे सर ने बोला है उस तरह बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर दिया। ठीक है, फरहान फाइनेंशियल मैटर्स में अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हमारा टास्क पूरा हो गया। जी जी, आप पासपोर्ट कलेक्ट करने आए हो, एप्लीकेशन बल्कि 2 एप्लीकेशंस दी, जी जी, सर्विसेज भी दी, जी जी, फिर ट्यूशन फी दी, बेसिक एक्सपेंडिचर्स दिए, ठीक है, और फर्स्ट एप्लीकेशन वहाँ एडजस्ट कर दी गई जो सेकंड थी हमारी सेव, और कंसल्टेंसी थी अल्हम्दुलिल्लाह। डिड यू फील एनीथिंग फेयर अबाउट अस? आपने कोई फेयर लिया था हमारे बारे में? कोई 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 फियर नहीं था हमें, कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं सर किसी में? हमने ये कहा यार यहाँ आप केस फंस गया, जैसे आपके केस में ट्रांसक्रिप्ट नहीं थी, भाई जी मेरी ये करवा दूंगा तो ये हो जाएगा? सर मेन मसला होता है पैसों का होता है, वो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले दिन ही आपने बोला अभी जैसे यूनिवर्सिटी चलती है ऐसे मैं चलता हूँ, यूनिवर्सिटी पहले फीस लेती है एप्लीकेशन तो मैं भी फीस लेता हूँ, वो नॉन रिफंडेबल है, बिल्कुल है। जब यूनिवर्सिटी वीजा लगने के बाद फीस नहीं देती तो हमारी भी वो फीस रिटर्न नहीं है। जब आपका वीजा नहीं लगेगा, रिजेक्ट हो जाएगा एम्बेसी की तरफ से, तो आपके जो पैसे हैं हमारे पास अमानत है, वो हम रिजेक्ट कर देंगे, इंशाल्लाह आपको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सर ये जो लास्ट में ये बात करना चाहता हूँ, जो एजुकेशन कंसल्टेंट है पाकिस्तान में, ये 99% जो है इन्होंने भी बिजनेस बना लिया एक दफा ना, मतलब लोगों से पैसे ले लिए, उनके दो दो तीन तीन साल जाया कर दिए, मगर 1% उनमें आपकी आरसा कंसल्टेंसी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत अच्छे अच्छे हैं इस मार्केट में लोग, ऑनेस्ट स्पीकिंग मैं बताता हूँ, मैं क्योंकि इस फील्ड से 10 साल से रिलेटेड हूँ, मैं ऐसे खूबसूरत अच्छे ईमानदार लोगों को जानता हूँ। ये जो मैंने बिजनेस मॉडल सेट किया हुआ है ना अपना, जी सर, आप जो मर्जी कह लें, इसके 2 खालिस रीजन है। एक, अल्लाह पाक ने हमें इस्लाम के मुताबिक बिजनेस करने की परमिशन दी है और 90% फायदा है। दूसरा, उन टीचर्स ने मुझे गाइड किया हुआ था, इवन यहाँ तक कि मैंने मुझे की पॉइंट्स उठाए हुए हैं कि यार ये पैसे, ये एप्लीकेशन, ये कंसल्टेंसी, ये इस तरह, ये अल्लाह की रहमत है कि मैंने उसको फॉलो अप करता हूँ। एंड फ्रॉन क्या कहना चाहोगे फाइनली, एक सेंटेंस में क्या कहना चाहोगे हमारे बारे में, पूरी टीम के बारे में क्या कहोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी यूरोप के अभी सर हंगरी के तो बहुत एक्सपर्ट हैं, 8 ईयर से कर रहे हैं, अभी न्यू डेस्टिनेशन सर स्टार्ट कर रहे हैं, चेक रिपब्लिक, स्पेन और
इटली का मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान से, अगर जिसने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना और पैसे ज़ाया नहीं करने तो सारासब से एक दफ़ा अपना केस डिस्कस कर लें, तो फिर सारासब से अपनी फाइल तैयार करवाएं, इंशाल्लाह आपका कोई नुकसान नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा आप क्या कहते हो? मैं तो यही कहूँगा सर, मेरा तो मतलब कि ऐसी प्रोग्राम था भी और नहीं भी था, तो ऐसी केस चला दिया तो वो भागता भागता केस खुद ही हो गया। हालांकि अम्मी को भी नहीं था कि जेहन में और अब्बू को भी कि इसका इतना जल्दी इसका केस हो जाएगा। अभी हम इंतज़ार कर रहे थे कि 15 दिन लगेंगे एम्बेसी के लिए, 28-29 तक आएगा। मैं तो सुबह सुबह नाश्ता कर रहा था बैठ के और ना अम्मी भाई से बात कर रही थी तो कॉल आई, कहते हैं आसिफ की कॉल लग रही है मुझे, तो मैंने उठाई, मैंने कहा कोई ना कोई आ गया रिस्पांस नहीं। वो अम्मी कहे इतनी जल्दी रिस्पांस, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा कि इतनी जल्दी रिस्पांस आया। हमजा का पासपोर्ट ऑलमोस्ट 4-5 दिन में आ गया। हम वैसे वीज़ा ऑफिसर, आई एम वेरी थैंकफुल टू बीएमई, आई एम वेरी थैंकफुल टू वीज़ा ऑफिसर, दे आर वर्किंग वेरी गुड, और स्कॉलरशिप के 200 स्टूडेंट्स को प्रोसेस कर रहे हैं वो लोग। हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, पूरा स्टाफ हंगरी का, हंगेरियन एम्बेसी का, यूनिवर्सिटीज़ का, मेरी टीम लाइक 9-10 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसके बाद हम चल रहे हैं कि हम इंशाल्लाह वेरी सुन इस्लामाबाद आ रहे हैं ऑफिस ओपन करने के लिए और कराची इंशाल्लाह। सेकंड थिंग ये कि हम 11-12 डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग जो फारान ने 4 डेस्टिनेशन बताई, ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस एंड यूके, वी आर गोइंग टू ओपन फॉर द न्यू डेस्टिनेशन। एंड आई एम थैंकफुल टू होल फैमिली ऑफ एक और बात सर, या प्लीज एक और बात के मतलब कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़के बहस करते हैं कि ना कंसल्टेंट से नहीं कराना चाहिए, ज़्यादा चार्ज करते हैं इस तरह, लेकिन मतलब कि कोई लड़के बहुत शार्प होते हैं, वो मतलब कि हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, कर लेते हैं खुद केस भी तैयार कर लेते हैं, वीज़ा भी ले लेते हैं, लेकिन हमारे जो ज़्यादा लड़के हैं गांव देहात के, उन इतने तेज़ नहीं होते, कैपेबल नहीं होते कि अपनी चीज़ें खुद तैयार करें। तो पहली बार मैं यही रिकमेंड करूँगा जो पहली बार कर रहा है, कंसल्टेंट एक टीचर का सहारा लाजमी होना चाहिए उसे, तो कोई भी मंजिल तक नहीं पहुँचे तो 90% गिर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले गफीर का वीजा लग गया, मिशकॉल का। गफीर 2 साल स्टूडेंट कंसल्टेंसी की फील्ड में एक 1 नॉमिनेटिव पाकिस्तान की है वहाँ रहा है, बट ही चूज जस्ट एंड उसने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैं ये सब कुछ कर सकता था मगर मैं एक मेच्योर बंदा था, मेच्योर स्टूडेंट था, मुझे अपना एक डिसीजन अच्छा लेना था और मैंने फिर भी सर आसिफ के पास आया, उन्होंने मुझे पूरी ब्रीफिंग दी। उसका कीवर्ड बहुत अच्छा था, कहता था मैं सारी फाइनेंशियल मैटर देख कर आया था और मैं देख रहा था कि कहाँ पे हैंकी बैंकी होगी और कहाँ नहीं करता, बट इन द टिल फ्रॉम द 4 months यू नेवर डिड आरसा, नेवर डिड एनीथिंग इन द सिंगल रुपी की भी रोनबरी नहीं ली। आई एम वेरी थैंकफुल टू वफीद, उन्होंने कितना अच्छा हमारे लिए रिकमेंड किया, हमजा फारान। अब्बू मेरे कहते हैं कि ना कि अभी उठा नाल यारी लाई तो थल्ले उच्चे करने पैंदे, कि जब इतनी बंदा फीस दे रहा है, सब कुछ यूरोप में जा रहा है, तो वो थोड़ी सी रकम के लिए कि मैंने कंसल्टेंट को देनी है, वो कंजूसी नहीं करनी चाहिए उसमें। मैं यही जी बिल्कुल हमजा की बात को मैं ऐड करूं, वो कंसल्टेंट हो, वो टीचर हो, वो उस्ताद हो, एजेंट ना हो, वो उठाई गिरा ना हो, ऐसा ही है ना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट के अंदर बहुत लाइक टीचर है, ऑनेस्ट स्पीकिंग मैं जानता हूँ और मैं खुद उनका शागिर्द बनने के लिए तैयार हूँ। डेस्टिनेशन के लिए मैं जरूर जाऊँगा, उनको इन्वाइट करूंगा और बाय द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह आई गॉट लाइक 7 स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ Canada on my panel and we are going to make the one of the biggest network for the Canada, okay, and as well as other destination. I'm very thankful to Hamza's family, Farhan and the whole, and I'm thankful to Allah Pak. Agar aapko video achhi lagi to share kijiyega. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.